नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ताराचंद और आज मैं हूं आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। राजमुंद्री एक बहुत पवित्र स्थान है, ये देखिए आप अद्भुत नज़ारा। और जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर देश की सबसे बड़ी नर्सरी यानी फ्लावर मार्केट है, जो कि 25 किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से 15 किलोमीटर दूर कड़ियम इलाका है। एक लंबी सड़क, उसके पास नहर से बहता कलकल पानी, नहर के दोनों तरफ हजारों की संख्या में पौधों की नर्सरी है। ये देश का सबसे बड़ा पौधों का बाजार है यानी नर्सरी। 25 किलोमीटर और 10,000 एकड़ में फैला है बाजार, देश और विदेशों में पौधों को सप्लाई करता है। यहाँ पर सत्यनारायण नर्सरी के मालिक ताताजी बताते हैं कि रोजाना कई ट्रक भर के गाड़ियाँ पूरे देश भर में यहाँ से पौधे सप्लाई करती है। पहली बार आप देखिए ड्रोन से एरियल व्यू के किस तरह दिखता है देश का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट। चीन से बोनसाई एक पौधा लाया जाता है जिसकी कीमत 1,00,000 से 7,00,000 तक की है। स्पेन से ओलिया लाया जाता है जिसकी कीमत 10,00,000 है। इस बाजार की शुरुआत 1959 में हुई थी, उस समय यहाँ पर 3 या 4 नर्सरी फार्म हाउस थे, आज 600 से ज़्यादा फार्म हाउस है, इसीलिए ये देश की सबसे बड़ी नर्सरी कहलाती है। यहाँ पर 95% लोकल प्लांट ही है जिन्हें बाहर सप्लाई किया जाता है। केवल 5% पौधे हैं जो बाहर से मंगवाए जाते हैं, पूरे देश में यहाँ से पौधे सप्लाई होते हैं। इसके साथ ही हर तरह का पौधा आपको यहाँ मिल जाता है। एक दिन में करीब 5 करोड़ का बिजनेस होता है। यहाँ से दुबई, कतर, चाइना, स्पेन आदि देशों में पौधों की सप्लाई की जाती है। 25 किलोमीटर इलाके में करीब 50 गांव आते हैं जिनमें से 90% लोग नर्सरी का काम ही करते हैं और 80% पौधे यहीं पर तैयार होते हैं। बाकी जो 20% है वो पूना, कलकत्ता, चेन्नई, स्पेन, थाईलैंड से आता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण धीरे धीरे गांव के लोग इसी बिजनेस में आ गए। आज ये देश का सबसे बड़ा फ्लावर बाजार है। 1,00,000 के करीब लोग आज यहाँ काम कर रहे हैं।